जी असला कैसे हैं आप लोग लोग दिस इज फ्रॉम ऑनलाइन वेब टीचर डॉट कॉम दोस्तों आज हम लोग हम सीखेंगे कि कैसे लोगों ने इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट बनाना है इंस्टाग्राम तो वैसे भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं पर्सनली जो है उस उसपे हम लोग फोटो वगैरह वीडियोस वगैरह देखने के लिए अपने लिए जो है ना एक अकाउंट यूज कर रहे होते हैं अगर हम स्पेशली एक बिजनेस के लिए अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं जो बिजनेस अकाउंट होता है ना उसमें हम एड्रेस भी देते हैं फोन नंबर वगैरह यानी जिस भी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए बनाया गया है तो वो भी शो हो जाए हमारी उस प्रोफाइल पे बिल्कुल नीचे कि ये बिजनेस कंसल्टेंट है ठीक है ना ये कैफेटेरिया है ये होटल है ये चाय की शॉप है फिटनेस ट्रेनर का है कोई जिम का है तो ये सब कुछ जो है ना शो हो जाना चाहिए और उसकी लोकेशन और एड्रेस भी शो हो जाना चाहिए और उसकी स्पेशलाइजेशन भी उसके साथ जो है ना अटैच हो जानी चाहिए तो कैसे ये बिजनेस अकाउंट बनाया जाएगा तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए मसलन आप वर्ल्ड की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं प्रेस पे ई कॉमर्स स्टोर बनवाना चाहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट या स्टोर उसपे बनवाना चाहते हैं विक्स की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या कोई भी इशू है आपका वेबसाइट के रिलेटेड तो अगर ये इश्यू आप मुझसे हल करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो एक मामूली सी रकम के बदले ये सारे काम मैं आपको करके दे दूंगा तो अब मैं चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दोस्त वीडियो को जरूर आपने लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है इस तरह क्या होगा की अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो ये ज्यादा लोगों की तरफ जाएगी अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहेगी तो अब आप लोगों ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लेना है और ये मैं इंस्टाग्राम अपना जो है ना ओपन कर लेता हूँ अब इसमें दो तरीके हैं अगर हम इस अपने पुराने अकाउंट अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम नए सिरे से अकाउंट बनाना चाहें तो नया प्रोफेशनल अकाउंट भी हम लोग बना सकते हैं तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा अगर आपके पास एक अच्छी फॉलोइंग है एक पुराना अकाउंट है तो आप उसी को प्रोफेशनल अकाउंट बना दो अगर आप नया बनाना चाहते हैं और जो आपका अपना है वो अपने लिए आप जो है ना उसको रखना चाहते हैं अपने लिए जो है ना यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं तो इसी अकाउंट को कैसे मैं प्रोफेशनल अकाउंट में तब्दील करूंगा तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं तो अब हम लोग ये जो प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही है ये हार्ड साइन के साथ राइट साइड पे तो इस पर मैं करता हूं क्लिक ये देखें इस पे हम लोग अब जितनी भी मेरा डाटा पड़ा हुआ है तो वो यहाँ पे आ गया है तो अब ये जो तीन डाटे नजर आ रही हैं ये तीन लाइनें नज़र आ रही हैं ये ऊपर की जाने प्लस साइन के साथ इस पे करेंगे क्लिक ये सेटिंग का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है अब इस सेटिंग पे कर देंगे क्लिक तो अब हम लोग ये अकाउंट पे कर देंगे क्लिक ये अकाउंट पे ठीक है तो अब हम लोगों ने नीचे आ जाना है बिल्कुल नीचे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये हमारा अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में तब्दील हो जाएगा बाकी की सेटिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं अपने इस अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में नहीं तब्दील कर रहा मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ और इसके बाद जो बाकी की सेटिंग है तो वहीं पर हम लोग देखते हैं और एक नया अकाउंट भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं तो ये लॉग आउट कर दूंगा तो ये मेरा पिछला अकाउंट जो है लॉग आउट हो जाएगा ऐड अकाउंट भी कर सकते हैं तो मैं ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ लॉग इन टू एक्जिस्टिंग अकाउंट अगर ऑलरेडी आपने कोई और अकाउंट बनाया हुआ है तो एक्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे अगर आप क्रिएट आ न्यू अकाउंट इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे तो क्रिएट आ न्यू अकाउंट इस पर कर देंगे क्लिक अब यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ ऑनलाइन वेब टीचर ठीक है अवेलेबल है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे अब यहाँ पे हमने कोई पासवर्ड सेट करना है ठीक है रिमेंबर हम नहीं करना चाहते तो ये मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ मैं फ़ोन नंबर और ई मेल में नया अपना डाल दूँ तो अब ये कन्फर्मेशन कोड आएगा मेरे इस मोबाइल पर अब यह कनेक्ट टू फेसबुक एक ऑप्शन नज़र आ रहा है और ये स्किप का ऑप्शन भी है फेसबुक के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं फेसबुक बिज़नेस है या फ़ेसबुक का पेज है या फ़ेसबुक की प्रोफाइल है तो कनेक्ट टू फेसबुक पे क्लिक करके फ़ेसबुक के साथ कनेक्ट कर देना है मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए बाद में हम इसको तब्दील कर सकते हैं एड फोटो इसको स्किप भी कर सकते हैं और फ़ोटो ऐड भी कर सकती हैं तो जो भी जिस भी चीज़ के मुतलिक आपका बिज़नेस है तो उसकी फोटो वग़ैरह आपने ज़रूर बना लेनी है कोई बिज़नेस है आपका तो ज़हर सी बात है उसका लोगो तो आपने बनाया हुआ होगा मतलब कोई भी कैफ़े है या कोई चाय की शॉप है या फिर कोई बार भी क्यों कोई होटल है या कुछ भी मतलब है तो उसका लोगो तो आपके पास होगा तो वो लोगो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है अगर आपको लोगो बनाना नहीं आता तो दो तीन मेथड हैं यानी एक लोगो मेकर की हेल्प से भी आप बना सकते हो इस पर ऑलरेडी मैं एक दो वीडियो बना चुका हूँ तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो लोगो मेकर की हेल्प से भी आप बना सकते हो और कूल uh, टेक्स्ट cool है एक टूल उसकी हेल्प से भी बना सकते हो एक है शॉपिफाई का लोगो मेकर तो उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो उसकी हेल्प से भी आप लोगो अपना एक बेहतरीन बना सकते हो एड फोटो पर क्लिक कर देना है तो चूज फ्राम लाइब्रेरी इस पर क्लिक करके मैं कोई पिक्चर जो है ना ले लेता हूँ अपने ठीक है तो एक पिक्चर मैं ये वाली जो है ना ले लेता हूँ अब लोगो ही हमने लेना होता है तो ये जो है ना ऐसे करके तो ये मैं फ़िलहाल के लिए जो है ना ऐसे कर देता हूँ छोड़ देता हूँ इसको देखें ये ऐसे ही समझें कि ये मैंने लोगों सेट कर लिया तो ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है अब ऑलवेज शेयर अगर आप इस लोगों को शेयर नहीं करना चाहते तो जस्ट इसको अनचेक कर देना है अगर शेयर करना चाहते हैं तो इसको जो है ना चेक जो है ना होने रहने देना है तो ये नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक अब रिमेंबर पासवर्ड का एक ऑप्शन है तो पासवर्ड अगर आप रिमेंबर करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक कर देना है मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए मैं उसी स्टेप को जो है ना दोबारा से जहां पे हम लोगों ने वो किया था तो वहीं से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो ये मैंने अकाउंट पे क्लिक किया ये यहाँ पे आ गया अब ये तीन जो लाइन नजर आ रही है इस पे क्लिक करेंगे अब ये सेटिंग क्लिक कर देंगे तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ तो इसको हमने प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे तब्दील करना होता है तो अगेन हम लोगों ने ये अकाउंट पे क्लिक करना है और ये नीचे आ जाना है है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट इस पे कर देना है। क्लिक तो आप देखें ये के लिए। ये हमें कुछ फंक्शन दे रहा है ये सारा कुछ जो है हम लोग देख देख सकते हैं तो ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे इसको हमने टिक कर देना है क्लिक तो अब ये थर्टी सेकेंड हम लोग वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या स्टेटस देता है तो ये बिज़नेस ही है ठीक है ना क्रिएटर पे भी हम क्लिक कर सकते हैं और बिज़नेस पे भी तो बिज़नेस ही हम लोग इसको रहने देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे अब यहाँ पे हमने अपना बिज़नेस एड्रेस देना है और यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर देना है ठीक है बिज़नेस ईमेल एड्रेस तो ये जो है असलम दस्ती और यहाँ पे जो है ऑनलाइन ऐसे करके ये मैं डाल देता हूँ बिज़नेस एड्रेस यहाँ पे हमने अपना बिज़नेस एड्रेस डालना है स्ट्रीट एड्रेस जो भी है वट एवर इट इज़ डेरा गाजी ख़ान राजनपुर डेरा गाजी ख़ान टाउन सिटी पोस्टल कोड जो है ना ये हमने सेव पे कर देना है सर ये टाउन सिटी इसको हमने सर्च कर लेना है ये हमने लगा दिया और सेव पे कर देना है क्लिक डिस्प्ले कंटैक्ट इन्फो अगर कंटेक्ट इन्फो शो करानी है तो इसको शो भी हम लोग करा सकते हैं तो ये इसको मैं शो क्लिक पे कर दूंगा तो ये जो है शो हो जाएगी तो मेरी कंटेक्ट इन्फो भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे एक और ऑप्शन मेरे पास आ चुका है कि फेसबुक के साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं मैं अब भी इसको कनेक्ट नहीं करना चाहता तो स्किप पे कर दूंगा क्लिक अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको सेट कर देना है कंप्लीट योर प्रोफाइल गेट इंस्पायर्ड ग्रो योर ऑडियंस शेयर कंटेंट वी उन्ट एक्सप्लोर प्रोफेशनल टूल ठीक है ना कंप्लीट योर प्रोफाइल तो प्रोफाइल में जितनी भी चीज़ें हैं तो उनको हमने लिखना है फॉर एग्जांपल बिज़नेस नेम ठीक है ना कोई भी है आपका कैफ़े का बिज़नेस है या कुछ भी तो वो हमने यहाँ पर टाइप करना होता है ऑनलाइन वेब टीचर इसके बाद प्रोनाउन वेबसाइट यहाँ पर डालना है फिर यहाँ पर जो है ना बायो डालना है ये बायो ये भी लाजमी है वेब टीचर प्रोवाइड यू एजुकेशनल कंटेंट वेबसाइट डेवलपमेंट क्लिक कर देना है तो अब देखें ये बायो भी यहाँ पे आ चुका है वेबसाइट ये ऑप्शनल है ये भी हम लोग डाल सकते हैं कि इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे गेट इंस्पायर्ड इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ चीज़ों को आप के रिलेटेड जो है उनको आप अगर आप फॉलो करना चाहें तो इसको इनको फॉलो कर सकते हैं ठीक है और ग्रो योर ऑडियंस इस पर क्लिक कर देंगे तो इनवाइट फ्रेंड वाई इंस्टाग्राम तो ये कुछ है इनवाइट वाई एसएमएस वगैरह ये इनको भी यूज़ कर सकते हैं शेयर कंटेंट एंड व्यू इनसाइट इस पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट पोस्ट वगैरह कोई भी पोस्ट आपने क्रिएट करनी है तो उस पर क्लिक करके कर जो है ना पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं ठीक है फिर इसके बाद एक्सप्लोर प्रोफेशनल टूर मजीद जो है ना प्रोफेशनल टूर दिए गए हैं गो टू प्रोमोशन गो इन साइड ठीक है ये चेक करने के लिए ये कुछ सेटिंग थी तो इसकी हेल्प से आप अपने इंस्टाग्राम uh, का बिजनेस अकाउंट जो है ना बना सकते हैं तो ये था हमारा इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट पे ट्यूटोरियल आई होप आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर आपने लाइक कर देना है और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में जो बेल आइकन नजर आ रहा है ये घंटी का निशान इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है इस तरह क्या होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूं तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज